जय सच्चिदानंद। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं पर जा रहे थे, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, आप बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हो, तो पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, दान तो मैं भी बहुत करता हूं, पर मुझे तो कोई दानवीर नहीं कहता, और कर्ण को सब दानवीर कहते हैं। तो भगवान कहते, कोई बात नहीं, मैं कुछ समय में आपको इस बात का उत्तर दे दूंगा। तो परमात्मा ने अपनी माया के द्वारा पास में दो पहाड़ियां थी, उनको सोने का कर दिया, और सोने का करने के बाद में पहाड़ियों को प्रभु अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम आसपास के गांव वालों को जाकर बोल दो कि जिसको जितना सोना चाहिए वो तुमसे ले जाए, और तुम इस सोने को सब में बांट दो। अब अर्जुन ने क्या किया, अनाउंसमेंट करवा दी, सब गांव वाले वहां पर सोना लेने के लिए अर्जुन के पास में आने लगे, और जितना कोई सोना मांगता उसकी मांग के अनुसार अर्जुन उसको सोना देते। और वहां पे जितने वो गांव वाले थे जिनको अर्जुन सोना दे रहे थे, सब आके अर्जुन की जय जयकार करने लगे, बोलने लगे भी अर्जुन तो बहुत दानी व्यक्ति है, जय जयकार होने लगी अर्जुन की। अब दो दिन ये कार्य चलता रहा, गांव वाले आते गए, अर्जुन उनको सोना देते गए, और इवन क्या हुआ कि कुछ लोग तो दोबारा वापस आने लगे। अब अर्जुन को गुस्सा आने लगा, एक तो वो थक गया था लगातार, और दूसरी बात, वो पहाड़ियों का जो सोना था वो कमी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो परमात्मा ने अपनी माया के द्वारा रचा था। अब पहाड़ियां तो उतनी की उतनी है, पर अर्जुन ने लगातार दो दिन जितना सोना मांगा अर्जुन ने दिया। अब अर्जुन थक चुके थे, तो अर्जुन ने भगवान को बोला कि प्रभु, मैं तो थक चुका हूं अब। तो भगवान बोलते, कोई बात नहीं, ये मैं सेवा किसी और को दे देता हूं। तो भगवान ने करण को बुलाया और बोला कि आसपास के जो गांव हैं उसमें इस सोने को बांट दो। अब करण ने क्या किया, उसने भी अनाउंसमेंट करवाया, सारे गांव वाले वहां पर पहाड़ियों के पास में एकत्रित हो गए, और करण ने बोला कि गांव वालों, ये सारा सोना आपका है, जितनी आपको जरूरत हो आप ले जाना, और ये कह के करण चला गया। अब अर्जुन देखते हैं कि जो ये आइडिया करण के दिमाग में आया, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, मैं तो फालतू में ही इतनी मेहनत करता रहा, लगातार करता रहा इतनी मेहनत, तो ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया जो करण ने किया। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, जब आप सोना बांट रहे थे तो आपके मन में अहंकार आ गया था, अभिमान आ गया था कि आप दाता हो और ये सब मांगने वाले हैं। तो करण ने क्या किया कि उसने अपने अभिमान को पोषित नहीं किया, उसने बोला कि गांव वालों का सोना है, गांव वालों को बांटना है, तो मैं बीच में पचड़े में क्यों पड़ूं, कि किसी से धन्यवाद की आशा रखना भी एक तरह का सौदा हो जाता है। तो जो करण है उसने बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी इच्छा के गांव वालों को उनका हक दे दिया। तो इसीलिए परमात्मा ने बोला कि अर्जुन, करण को दानवीर करण बोला जाता है। तो अब अर्जुन को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने अपने अभिमान का पोषण किया, और जबकि करण ने अपने अभिमान से बचने के लिए, परमात्मा बोलते कि अर्जुन, जिस जीव को आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, उसी की ऐसी स्थिति होती है। तो जो करण है वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। तो परमात्मा ने अर्जुन की बात का उत्तर उनको बहुत प्रैक्टिकल वे से दिया। तो हम भी कई बार क्या होते हैं, सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, पर साथ में आशा रखते हैं कि सामने वाला हमें धन्यवाद कहे, कृतज्ञता प्रकट करे हमारे प्रति, तो ये सब भी एक सौदे के बराबर है। आप सेवा कीजिए, आप दूसरों को सहयोग दीजिए, पर निष्काम भाव के साथ में। जय सच्चिदानंद।